नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिलेश शर्मा और SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सेंधवा, CBSE राष्ट्रीय वॉलीबॉल स्पर्धा का आज भव्य शुभारंभ शहर के रघुवंश पब्लिक स्कूल में हुआ। क्षेत्रीय विधायक ग्यारसीलाल रावत, नगर पालिका अध्यक्ष बसंतीबाई यादव, SDOP श्री बघेल सहित कई हस्तियों की मौजूदगी में शुभारंभ के अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। सभी अतिथियों द्वारा टीमों से स्वागत भेंट की गई। आयोजकों द्वारा पूरे टूर्नामेंट की इस अवसर पर जानकारी दी गई। दोपहर में प्रतियोगिता का आगाज हो गया। मेजबानी कर रहे रघुवंश पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हरीश रघुवंशी व स्कूल के प्रिंसिपल श्री SK सिंह द्वारा बताया गया कि स्पर्धा में कुल 250 से अधिक मैच होंगे। 5 दिन चलने वाली स्पर्धा में 17 वर्ष व 19 वर्ष आयु वर्ग की सभी टीमों के लीग मैचों के बाद सेमीफाइनल व फाइनल मैच होंगे। व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री सिंह व रघुवंशी ने यह भी बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों तथा विदेशों से भी टीमें आई है। साथ ही 1200 प्लेयर, 50 रेफरी, 200 टीम मैनेजर आए हैं, जिनके आवासीय सहित सभी सुविधाओं के मद्देनजर स्कूल प्रबंधन द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। CBSE नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है सेंधवा रघुवंश पब्लिक स्कूल में। ये इस जिले के लिए, इस निमाड़ क्षेत्र के लिए और इंदौर संभाग के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। पहले इस तरह का कभी इवेंट इस समय नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब निमाड़ क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में भी कभी इस तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ। इस स्कूल कितने स्कूल आए हैं और क्या तैयारियां की गई है और क्या लगता है आपको कितना सफल होगा आयोजन? इसमें 22 स्टेट्स की टीम आई है, टोटल 84 टीम आई है। करीबन 1200 प्लेयर्स आए हैं, रेफरीज हैं, करीबन 50 रेफरी हैं और 200 टीम मैनेजर्स आए हैं। रघुवंश पब्लिक स्कूल कितना गौरवान्वित महसूस करता है इस कार्यक्रम के बाद? रघुवंश पब्लिक स्कूल तो गौरवान्वित महसूस कर ही रहा है, साथ में ये सेंधवा शहर के लिए और निमाड़ के लिए बहुत गौरव की बात है। और किस तरह का आयोजन किया जा रहा है, कितनी टीमें लगी हैं, कैसे तैयारियां की गई है? मैं SK सिंह हूँ और रघुवंश पब्लिक स्कूल का प्राचार्य हूँ। यहाँ पर CBSE नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। हमारी 150 टीचर्स की टीम पिछले 15 दिन से इसके लिए तैयारी कर रही है। भोजन की, आवास की व्यवस्था की गई है। सेंधवा के जितने भी होटल्स हैं सभी हमने बुक किए हैं। विदेशों की भी बहुत सारी टीमें यहाँ पर आई हैं, गल्फ कंट्री से, ओमान से, कतर से, दोहा से, जेद्दा से, सऊदी अरेबिया से, दुबई से, और सबके लिए हमने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। ये टूर्नामेंट 5 दिन तक चलेगा और इसमें 1200 से ज्यादा खिलाड़ी और उनके कोचेज भाग ले रहे हैं। कितने मैच होंगे और कितने खिलाड़ी? इसमें 250 से ज्यादा मैचेज होंगे और 2 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, 19 आयु वर्ग में और 17 आयु वर्ग में, लड़के और लड़की दोनों के लिए, जिसमें अलग अलग विजेता घोषित किए जाएंगे। 19 वर्ग में बॉयज और गर्ल्स की टीम विनर घोषित होगी। इसी तरीके से 17 में भी बॉयज और गर्ल्स की टीम विजेता घोषित की जाएगी। सबके लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। CBSE द्वारा भी इसके लिए सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं और मेडल्स टीमों को, विनर टीमों को गोल्ड मेडल्स, द्वितीय टीमों को सिल्वर मेडल और तृतीय आने वाले टीमों को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है।